हमेशा यू फोड़ा लीबे चलते रहे ये तू तो बस हो गया ना बहुत नुकीले धन्यवाद सौरभ ये सब काम कर रहे हैं और यहाँ पत्थर में बैठे भी ऐसे रख दिया इसको। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है प्रीति जेठा ब्लॉग में और सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हमारा खेत मतलब जोत रहे हैं, ससुर जी बैल लेके चले गए और टू अंदर पानी क्या कर रहे हैं, आटा गूंथ दे रहे हैं शायद, और मैंने सब्जी काट लिया है। दिव्यांशी सुबह सुबह कहाँ जा रही है, बस ये सुबह टहल रही है दिव्यांशी हमारे अंदर चलेगी। देखती हूँ टू भी आटा गूंथ रहे थे तो फिर टू ने आटा गूंथ दिया है क्योंकि आटा गूंथने में आजकल थोड़ा सज्जी जैसा होता है मुझे, तो रोटी खुद ही बना देते हैं। और मैं सब्जी काट के गई थी, काटती हरा रहा है और थोड़ी देर बाद नाश्ता बना लेती हूँ पहले दिव्यांशी, उसके बाद जाएंगे आज हम लोग खेत जोतने के लिए ना। निर्दीप पर ठंडल काम उभर दिल में ठटर ठटर कर दिन। ये देखिए कौन आ रखा है आज हमारे दुगू में, सौरभ। सौरभ हाय बोल। हाय। ये देखो पता नहीं कैसे चला होगा इतना दूर, तो चिंटू को कैसे पकड़ना है। चल खेत में चल, अब चल ना चल। तो फिर हम जा रहे हैं खेत में, देखो कैसे पकड़ के ले रहा है इसे। अच्छा से हाँ खुद गिरेगा कहीं। सौरभ जमीन में रख फिर, हाँ चलो आगे से चलो फिर, और फिर पीछे से आ जाएगा चिंटू। ये देखो सौरभ के पीछे कैसे जा रहा है चिंटू, कितना खुश हो रहा है काट रहा है, देखो कैसे काटता है चिंटू, बहुत खतरनाक है। कैसा लगा चिंटू सौरभ को? अच्छा। चलो फिर सौरभ आज यहीं रहेंगे, कल जाएंगे सौरभ भी धार चूल्हा। ये 5 बजे जाऊंगा कल रात को बोलने वाले, अभी कितने बजे उठे आप? 5 बजे उठ गया। आवाज मारा नीचे की नहीं आए फिर उसको, उसका हाथ पकड़ो। ये देखो अभी सौरभ बेचारा अनट्रेंड है, गांव में नहीं चल पा रहा है, धार चूल्हा में रहने वाला। रोट लोग भी जाने लग गए और साथ में ये देखो चिंटू कैसे आ रहा है पीछे आप लोगों के। ये देखो और ससुर जी तो नीचे चले गए, और अभी दूगो में इतना पहुंच रखा है धूप, काफी जल्दी आ जाता है घर में। अभी वैसे 6:30 बजे हैं, मैं भी जाती हूँ खेतों में। बैल तो पहले से पहुंच, मसूर बो रहे हैं यहाँ, बस ये 2 खेत है, उसके बाद 2 खेत उधर है बस। किशन ये देखो आपके बैल, आपको याद कर रहे हैं बोला, और बार बेचारे किशन ही जोतते थे हल देवर जी, इस बार ससुर जी का नंबर। सुबह हल जोतना नहीं आता है, अनट्रेंड आदमी रोज यू हमेशा यू फोड़ा लीबे चलते रहे ये तो बस हो गया और ये काम नहीं। फोड़े से तो बुढ़ापा चल रहा है इसके नुकीले दांत है ना, डर लगता है वो चिंटू के ना, बहुत नुकीले ये देखो इसको लेट आ दिया बेचारे को। गांव में खेत जोतने से पहले हमेशा गाय मतलब बैल को पहले खेत में लाते हैं, जो कि थोड़ा हरा घास खा लेते हैं, उसके बाद जोताई शुरू करते हैं। तो फिर अभी हल में फिट कर रहे हैं बैल को, अभी हल लगाना है इसमें। ये इसके मजे आ रखे हैं चिंटू के भी। हाँ अपने तरफ बना के भेजना चिंटू को, ठीक है सौरभ? है ना बस स्टार्ट कर दिया जो इतना खेत बड़े पतले होते हैं तो इसलिए दिक्कत होता है, बैल गिरने का भी डर होता है ना चिंटू सौरभ के पीछे चलेगा, अब जो भूल गए थे सौरभ लेके आ गए, धन्यवाद सौरभ जी। जंगल जाता है ना, कितना तगड़ा बन जाता है। हाँ अनु आंटी भी आ गई हेल्प करने के लिए यहाँ पे। ये देखो पंकुदा कामदार, पंकुदा देहरादून से आके गांव में बहुत काम कर रहे हैं पर ऐसा लग रहा है बेचारों ने पहली बार कुदाल पकड़ा है हाथों में। पंकुदा पहले भी पकड़ा था हाँ। ये देखो प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ गांव में खेती बाड़ी करने का, और वो देखिए आंटी और पंकुदा और ये उतू सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी ये वाला खेत भी है, उसके बाद 2 उधर भी है। 2-3 दिन तो खूब बोए यार इन्होंने। तो फिर दोस्तों मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और आटा गूंथ के रख दिया और सब्जी चढ़ाया था वो भी बंद करके आ गई थी। खेत में लेके आ रहे हैं अभी बैलों को, वहां से रास्ता नहीं था तो यहाँ पे रास्ता बना रखा है, यहीं से आएंगे।
पता है तो हुआ इनको। चल नीचे आराम से पैरों में चुभेगा। ये देखो खेत खोदा और बैठ के गप सब भी मार रहे हैं। पंकुदा कहाँ गए हो चट्टान में, जल्दी आओ नीचे, काम चोरी नहीं। पंकुदा बहुत काम चोरी कर रहे हैं। भूख लगी हो यार, तुम सब नाश्ता करो पंकुदा। वो देखो पत्थर में चढ़े हैं अभी। उसे करके बोते हैं खेत। तो भी दोस्तों यहाँ पे बैल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ऑटो हाथ से खोद रहे हैं फड़वे से। बैगन का खेत हमारा, मिर्ची और बैगन का, तो बैगन तो लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दो बैगन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े। ये सब काम कर रहे हैं और यह पत्थर में बैठे, इनको क्या बोला जाता है? काम चोर बोले। थक गए यार बेचारे पंकुदा, कब कर रहे थे। बस अब खत्म होने वाला खेत। सब लोग पंकुदा को धनगोर में बुलाएगा, बोले पंकुदा ऐसा बोलो जिस चीज का खेत खोदना हो मुझे बुलाए। हाँ जिस चीज का खेत बर्बाद करना है मुझे बुलाए, बोला। तो फिर दोस्तों खेत खेत बोल लिया था, अभी आ रखे हैं फिर से खेत में हम लोग लहसुन बोने के लिए। थोड़ा सा लहसुन लेके आई हूँ थाली में, इतने सब बोएंगे क्योंकि वैसे तो बहुत लोगों ने बो लिया पहले भी और लहसुन तो लेट भी हो जाता है, ठीक ही होता है। तो फिर लहसुन बो रहे हैं हम लोग बैगन के खेतों में, ये क्योंकि बाद में बैगन के पौधे निकालने होंगे तो फिर ये खेत खाली हो जाएगा। तो इसी में हम बो दे रहे हैं थोड़ा सा लहसुन, और तो वहाँ पर खोदने लग गए हैं। खोदने के बाद फिर जाके लहसुन तोप देंगे वहाँ पर। तो फिर दोस्तों ऑटो ने पूरा खेत खोद दिया है, तो लहसुन बो रहे हैं और आपको बताते हैं लहसुन कैसे बोते हैं। ये जो आपको लहसुन दिख रहा है इसका ये जो मुंह है इसको ऊपर की ओर करते हैं और ये नीचे की ओर, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये गड्ढा हो गया इसको ऐसे रखते हैं, दिख रहा है ऑटो? जैसे ये हो गया और उसके बाद मानो ये भी ऐसे रख दिया, इसको ढक दो। वैसे करके पूरे बोने हैं खेतों में, काफ़ी गीला मिट्टी है तो जल्दी जम जाएगा ख्याल से। तो फिर दोस्तों जो हमारे पहाड़ों का काम करने का तरीका होता है, आपको मतलब जो प्लेन में किया जाता है उससे काफ़ी हटके होता है, तो आपको कैसा लगता है हमारे यहाँ का काम काज करना, जैसे हल जोतना, खेती बाड़ी करना? तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, अभी जो वीडियो बना रहे हैं उतना खास नहीं बन पा रहा है, कभी कभी समझ भी नहीं आता कि क्या बनाए, एक जैसा मतलब हो जाता है। इधर उधर जाने का भी मौका भी तो नहीं है। हाँ ये एक तो मतलब इधर उधर जाने का मौका भी नहीं मिलता, गाँव आते हैं गाँव से धार चला बस इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।